सर तीन विकेट आज आसिफ की वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन द टूर्नामेंट। सवाल पर अजीज है आप लाल क्या लग रहा है कल ये दो बैट्समैन जो खेल रहे हैं आज वैसे इनके रन जो आपसे ज्यादा हो गए तो कल क्या स्ट्रेटजी होगी क्या बैलिंग होगी कोई को जल्द से जल्द आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि वो लोग अच्छी क्रिकेट खेले हैं और हम लोगों ने थोड़ा सा आप कह लेंगे हमारे बैट्समैनों ने थोड़े कम रन किए हैं बल्कि कम बैक करने की कोशिश करेंगे मैच में इंशाल्लाह और जल्दी से जल्दी उनको आउट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्या वजह है अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद चाहे वो डोमेस्टिक हो उसके अलावा टेस्ट भी खेला उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद जो है टीम के लिए नहीं दौड़े ऑस्ट्रेलिया था उम्मीद थी कि इसमें चांस मिलेगा लेकिन ना मिला। जी बिल्कुल जैसे कि बॉलर्स कैंप बुलाया था पीसीबी ने तो उनमें मैं गया था और वहाँ पे बॉलिंग वगैरह भी की थी। अब ये पीसीबी पे डिपेंड करता है कोचेस पे पैनल पे के जब टीम को ज़रूरत होगी मेरी आई एम अवेलेबल और परफॉर्मेंस अल्लाह का शुक्र है कि चल रही है ऑन एंड ऑफ आपको पता ही कि डोमेस्टिक में भी चल रही है और इंटरनेशनल में भी जैसे चल रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपको इस चीज़ के लिए रेडी रखा हुआ कि जब भी टीम के लिए मौका मिले पाकिस्तान के लिए कुछ करने का तो बेहतर करने की कोशिश करूँगी। लाल जब भी कोई प्लेयर मतलब टीम में आता है टीम से बाहर होता है डोमेस्टिक क्रिकेट ही करना होता है उसके लिए कि उसमें परफॉर्म करे और अपना कमबैक करे कितना अहम है ये पूरा सीजन आपके लिए और कितना लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या टारगेट अचीव किए हुए सीजन में अपने लिए। सबसे पहले तो ये बात आपकी कि जो मेरा गोल था कि मैं टॉप करूँ इस सीज़न में क्योंकि जो नया स्ट्रक्चर आया है उसमें आपको पता है कि बड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है हर क्रिकेटर को बॉलर है बैट्समैन है तो इस चीज़ के लिए मेहनत की थी उसको गोल ये बनाया था कि मैं टॉप करूं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी टॉप फाइव में हूं अभी तक तो कोशिश यही है कि अच्छे नोट्स पे फिनिश करूं ये सीज़न। लास्ट टू सीज़न से देखा है कि आपकी बॉलिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है तो कोई खास इस पे काम किया क्योंकि आप पहले भी खेल रहे थे लेकिन वो परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आ रही थी जो पिछले दो साल से नज़र आ रही है। जी बिल्कुल जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा अब ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्रिकेट में पांच टेस्ट खेला तो उसमें जो बॉलिंग की और उसके बाद मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है तो उस चीज़ को लेकर मैं चल रहा हूँ कि डे बाय डे आपको पता है कि हमेशा इंसान जो है वो सीखता रहता है तो कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाऊँ अपनी बॉलिंग में निखार लाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के लिए करने की कोशिश करूँ। नहीं सर बैटिंग के लिए मैं खुद इस चीज़ से बड़ा फेड अप हूँ खुद से ही क्योंकि मुझे पता है कि बैटिंग में वैसे मेरे से रन्स नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से मैं खुद थोड़ा सा इस चीज़ पे परेशान हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहा हूँ जो मेरा ऑफ सीज़न होता है उसमें मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से रन्स नहीं हो पा रहे लेकिन कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को और जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करूँ कि बैटिंग में भी रन करने की कोशिश करूँ। सर देखिए कोई भी मैच होता है वो तो जीतने के लिए जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहली इनिंग अच्छा नहीं खेल पाए जिस रन्स ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा विकेट भी पहले दिन थोड़ा आपको स्लो खेला जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल उनको जल्दी से जल्दी आउट करें और उसके बाद रन अच्छे दें ताकि हम मैच की तरफ जाएँ मैच में इन होने की कोशिश करेंगे कि यहाँ टू ड्रॉ की तरफ जाएँगे या जीतने की तरफ जाएँगे ये हमारी दो सूरतें हैं। देखिए विद भी अब जो रिपोर्ट हुआ था वो अंपायर किसी को भी नेकेड आई के जरिए वो रिपोर्ट कर सकता है और मेरे जो पैनल पीसीबी ने बनाया था जो कि पांच लोगों का पैनल था मेरे बॉलिंग एक्शन पे जब वर्कआउट किया था उस पर तो मुझे पता था कि उन लोगों ने भी जब हमने वर्कआउट किया था कि मेरे एक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं लेकिन अंपायरों ने कर दिया था ये उनका राइट है तो अब मैंने जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो बॉलिंग एक्शन मेरा
क्लियर हुआ और वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें कि ऑफ स्पिनर होंगे जिसका मैंने दूसरे का भी टेस्ट दिया था, मेरा दूसरा भी क्लियर है आईसीसी से, तो ये इसका तब भी प्रॉब्लम कोई नहीं था। लेकिन ये आपको पता है कि जब मीडिया पे ये बात आती है तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है पर्सनैलिटी पे, उसकी बॉलिंग पे, इन चीज़ों पे। लेकिन वो बॉलिंग में ना मैंने चेंज किया कुछ और ना ही मेरा इस पर कुछ फ़र्क पड़ा कि बॉलिंग ये अब ये है कि डे बडे बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। और आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है जब टीम में इन आउट होता है बंदा, तो थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी पड़ती है हर बंदे को। तो वही इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बॉलिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ और जितना बेहतर बना सकता हूँ अपने आप को पाकिस्तान के लिए बनाऊँ। किसी और का सवाल है? थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच।